देखें पटना से सोनपुर जाने का ट्रेन वाली रास्ता और कितने ट्रेन चलती है वो। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पटना जंक्शन और दोस्तों मैंने चेक किया वेयर इज़ माई ट्रेन पे, तो सोनपुर जाने के लिए मात्र दो ट्रेन थी पटना जंक्शन से, एक 8 बजे सुबह और एक 8 बजे शाम। दोस्तों तो यही वो ट्रेन है जो हम लोगों को लेके जाएगी सोनपुर। जी हाँ, सोनपुर। तो अभी हम ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं। दौड़ के आना पड़ा, हमें लगा कि ट्रेन छूटने को है लेकिन ट्रेन अभी लगा हुआ है और अब खुलने को है। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। फाइनली ट्रेन मेरी खुल चुकी है दोस्तों, और अभी मैं दिखा दूँ बाहर का लुक। गाइस हम लोग अभी बरौनी पटना में हैं और यही एकमात्र ट्रेन जो 8:15 में पटना जंक्शन से बरौनी के लिए खुलता है, तो इसी से मैं जाऊंगा सोनपुर और उसके बाद हम लोग चलेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं बरौनी पटना में अपने भाई के साथ हूं और ये है मेरी ट्रेन जो कि मध्यम धीमे धीमे से चल रही है। देखिए कब तक पहुंचते हैं हम लोग सोनपुर जंक्शन। दोस्तों तो जब आप इस ट्रेन में बैठोगे तो सबसे पहले पटना जंक्शन से खुलने के बाद ये सचिवालय को क्रॉस करेगी और उसके बाद फुलवारी शरीफ को। तो हम लोगों ने इन दोनों को क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन। जी हाँ, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन। और अब इसके बाद हम लोग दीघा ब्रिज हॉल्ट हैं वहाँ क्रॉस करेंगे और आपको दिखा दें ये जो ट्रेन जा रही है ये सोनपुर से आने वाली ट्रेन है, लेकिन पटना जंक्शन से जाने के लिए सोनपुर के लिए मात्र दो ट्रेन थी, एक सुबह और एक शाम। दोस्तों तो ये जो आपको स्टेशन दिख रहा है ये एक हॉल्ट है जो दीघा ब्रिज हॉल्ट के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद अगर आप सोनपुर की तरफ बढ़ रहे हैं तो दीघा ब्रिज को क्रॉस करना है जो कि काफ़ी शोभनीय है, और यहीं से निकलता है मैरीन ड्राइव। जी हाँ, इसके बाद आप मैरीन ड्राइव यहीं से जुड़ सकते हो मैरीन ड्राइव से। तो ब्रिज हम लोग पास करेंगे और उसके बाद हम लोग पहलेजा घाट पहुँचेंगे। दोस्तों मैं ये तो बताना भूल गया, ये जो आपको सामने की रोड दिख रही है ये और कोई नहीं अटल पथ है। जी हाँ, अगर आप दीघा ब्रिज पे रोडवे का इस्तेमाल कर रहे हो, रोडवे से गुजर रहे हो, तो आप अटल पथ के थ्रू पटना मेन टाउन में भी जा सकते हो और यहीं से मैरीन ड्राइव शुरू होती है, तो आप मैरीन ड्राइव के थ्रू पटना गांधी मैदान या फिर PMCH के रूट में भी जा सकते हो। तो पुल शुरू हो चुकी है, ये ब्रिज शुरू हो चुकी है और ट्रेन नीचे वाले स्तर पे चलती है। जब ब्रिज ये बन रहा था तो पहले स्टेशन ही बना था, पटरी वाला लाइन ही बना था, पटरी
और उसके ऊपर जो है ब्रिज के ऊपर आपका रोडवे मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार और थोड़ा सा भव्य लगता है इस रोड को। तो आप यहाँ से देख सकते हो गंगा कितनी अच्छे से दिख रही है। तो काफ़ी ये चीज़ अलग है, ये लुक अलग है, तो इसका आप लोग आनंद ले सकते हो। लेकिन जब आप इससे गुजरोगे तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस तरह के दृश्य में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं दीघा ब्रिज और अब आपको इसके दूसरे तरफ यानी सोनपुर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं पीछे की ओर जो दीघा ब्रिज का जो था वो दिख रहा है। और अब आपको दिखा दूँ कि जो रोडवे है वो दीघा ब्रिज से जो स्टेशन जो पटरी वाली लाइन है वो रोडवे से कितना डिस्टेंस पे है। तो अब इसके पार करके हम लोग पहुंचेंगे पहलेजा घाट। दोस्तों तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं पूरा पहलेजा घाट, जो कि दो गांव को जोड़ने वाली रेलवे स्टेशन है। तो इसके बाद हम लोग सोनपुर पहुंचेंगे। फाइनली हम लोग, तो दोस्तों मेरे पीछे है बरौनी पटना, जिसे हम लोग अभी ट्रैवल किए और आ चुके हैं सोनपुर स्टेशन। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे रोड पे, उसके बाद ऑटो से हम लोग चलेंगे जहाँ पर जाना है हम लोग। फाइनली गाइस हम लोग ट्रैक को पार कर चुके हैं और सोनपुर जंक्शन को छोड़ चुके हैं, और अब मैं ऑटो को रुकवाऊंगा और ऑटो पे बैठ के घर पे जाऊंगा।